हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ जेनेटिक्स। हम लोग एज स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं बहुत सारे, अभी हम लोग जेनेटिक्स में देखे थे तो उस जेनेटिक्स में देखते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें से बहुत बच्चों का रहता प्रॉब्लम रहता कि कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाते, प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम स्टूडेंट्स आज बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखते हैं कि इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है गैमेट फॉर्मेशन। अगर देखते हैं हाउ टू सॉल्व बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे कैसे क्वेश्चन जेनेटिक्स तक सॉल्व कैसे किया था उस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि देखते हैं कि जेनेटिक्स में जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली क्या होता है कि इस कंडीशन में जेनेटिक्स में अगर देखते हैं तो जेनेटिक्स में हमेशा जो होता है जो एलील्स होते हैं या ट्रेस होते जो कैरेक्टर्स होता है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है कैरी करने का कार्य करता है। वह बेसिकली जो 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 ट्रांसमिट होता है ट्रांसमिशन के ट्रेट्स को ले जाने का कैरी करने का कार्य करता है। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं इसे इनहेरिटेंस कहते हैं इनहेरिटेंस। अब इस इनहेरिटेंस में अगर देखा था कि हमेशा ये जेनेटिक कैरेक्टर्स के अंतर्गत या जो ट्रेट्स होते हैं वो क्या करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करने का कार्य करता है। अब इनहेरिटेंस के अंतर्गत अगर देखा था इसमें टू टाइप्स की कंडीशन होता है। पहला क्या होता है कि इसमें जो होता है बेसिकली जो डिजीज यानी जो डिजीज होते हैं डिजीज अगर मान लीजिए पेरेंट्स में कोई डिजीज है तो वो डिजीज क्या करता है उसके जो ऑफस्प्रिंग में भी वो कैरी करने का कार्य करता है वो भी जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो इनहेरिटेंस में अगर देखा जाता है कि बेसिकली दो कंडीशन यहाँ पर होते हैं, पहला तो एक नॉर्मल होता है एल्स के फॉर्म में जाते हैं ट्रेट्स के फॉर्म में जाते हैं, दूसरा जो होता है इसका जेनेटिक जो डिजीज होते हैं या डिसऑर्डर्स के अंतर्गत होते हैं वो भी जो होता है इनहेरिटेंस के द्वारा वो भी क्या करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी कर जाता है। इट मीन्स अगर देखा जाता है स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है कि इसमें जो इनहेरिटेंस के थ्रू क्या करता है जो फैमिली ट्री होता है उसमें टू जनरेशन या थ्री जनरेशन तक क्या होता है कि वो कैरी करता है। तो ऐसे प्रोसेस को अगर जो इनहेरिटेड जो डिजीज होता है जो कैरी करने का कार्य करता है वो फैमिली ट्री के द्वारा होता है उसको कैरी करते हैं उसे सिंबल के फॉर्म में मेंशन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं पेडिग्री कहते हैं पेडिग्री। तो आज इसमें हम दो चीज का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, एक पेडिग्री क्या होता है पेडिग्री की बात करेंगे, दूसरा आप इसका स्टडी करेंगे देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है कि जो जेनेटिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उस चीज को देखते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है अगर देखते हैं कि बेसिकली सबसे पहले जो होता है गैमेट फॉर्मेशन। अगर देखते हैं गैमेट फॉर्मेशन में स्टडी किया होगा हम लोगों ने तो गैमेट फॉर्मेशन में देखिए क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन। अब ये गैमेट फॉर्मेशन में अगर स्टूडेंट देखते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है गैमेट किसे कहते हैं अगर देखा था जो रिप्रोडक्टिव पार्टिकल्स होता है यानी क्या कहते हैं एक रिप्रोडक्टिव पार्टिकल। हालांकि गैमेट फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर पूरा गैमेट बताने नहीं जा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करने की बात है। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है जो रिप्रोडक्टिव पार्टिकल या रिप्रोडक्टिव बॉडीज कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव बॉडीज को क्या कहते हैं ये क्या कहता है ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव जो बॉडी होता है उसे हम गैमेट कहते हैं। अब ये जो गैमेट होता है ये कैसे होते हैं बेसिकली जो गैमेट होता है ये कैसे कंडीशन में होता है या जो रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है ये कैसे होता है ये हैप्लॉयड कंडीशन में होता है हैप्लॉयड
हैप्लॉयड कंडीशन में होता है, यानी ये कैसा था, सिंगल फॉर्म होता है, हैप्लॉयड कंडीशन में होता है। हैप्लॉयड कंडीशन में आने के बाद जो होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ये क्या होता है, इसमें फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन यानी अगर मान लीजिए एक मेल बॉडी होता है, एक फीमेल बॉडी, तो कैसा होता है, इसके साथ जाता है, ये फ्यूजन होता है। फ्यूजन, फ्यूजन के बाद क्या होता है, ये सिंगैमी होगा। सिंगैमी, ये सिंगैमी की जो प्रोसेस होता है, अगर देखा आता है, इसी प्रोसेस को मियासिस भी कहते हैं। मियासिस कह सकते हैं, मियासिस के साथ ही साथ क्या होता है, ये जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट बन जाता है। अब जायगोट के बाद जो इसका डेवलपमेंट होता है, ये जाकर के फिर क्या करता है, ये आगे अपना पैरेंटल या डॉटर सेल के फॉर्म में ये डेवलप होता है। ये जायगोट जो होता है, फिर आगे क्या करते हैं, मैच्योर होकर के ये डॉटर सेल के फॉर्म में मैच्योर बनता है। डॉटर सेल, डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। अब इस कंडीशन में देखते हैं स्टूडेंट्स, टू टाइप्स का यहाँ पर कैरेक्टर्स पाया जाता है। टू टाइप्स का होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। पहला क्या होता है, हमने बताया कि यहाँ पर टू है, एक मेल बॉडी प्लस दूसरा क्या होता है, ये फीमेल, दोनों हैप्लॉयड कंडीशन में हो करके क्या बनते हैं, ये जो फ्यूजन की प्रोसेस होता है, ये होता है डिप्लॉयड कंडीशन होता है। तो यहाँ पर ये सारे डिप्लॉयड हो जाते हैं, ये भी डिप्लॉयड होता है, ये भी डिप्लॉयड होता है। फिर जो होता है, यहाँ पर आकर के इसका पैरेंट से हैप्लॉयड से डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से फिर क्या करता है, वो सिंगल फॉर्म में इसका डेवलप हो जाता है। अब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बेसिकली ये कंडीशन जो होता है, ये गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। अब ये जो मियासिस की कंडीशन था, बेसिकली ये कैसा होता है, ये डिप्लॉयड से क्या होता है, हैप्लॉयड का फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉयड से फिर हैप्लॉयड बन जाता है। तो ये प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, ये गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है, गैमेट बनता है। अब यहाँ पर जो कंडीशन होता है, यहाँ पर टू टाइप का होता है। अगर देखा जाता है स्टूडेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है कि इस कंडीशन में जो हम लोग तमाम जो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अगर देखा जाता है जो गैमेट फॉर्मेशन है, यहाँ पर दो टाइप के गैमेट बनते हैं। अगर इसमें देखा था टू टाइप्स के बॉडी का डेवलपमेंट होता है, उसमें अगर देखा था फर्स्ट होता वन कैरेक्टर को लेकर के या वन बॉडीज को लेकर के होता, अगर इसमें देखा था कैसा होता है, एक वन बॉडी वन कैरेक्टर को लेकर के, वन कैरेक्टर के लेकर के होता है, इसे क्या कहते हैं, ये वन बॉडी हो जाता है या वन कैरेक्टर को लेकर के कहते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेड होता है, रिप्रेजेंट करता है कैसे, वह बेसिकली जो होता है, ये वन कैरेक्टर जो होता है, ये अल्फाबेट के फॉर्म होता है। वन कैरेक्टर जो होता है कैसा होता है, अल्फाबेटिकली होता है, अल्फाबेटिकली अल्फाबेट फॉर्म में होता है। अल्फाबेट के फॉर्म में यानी ए हो गया, कोई वाड़ी ए हो गया, फिर या बी बी हो गया, या सी सी हो गया, इस तरीके से जो होता है, ये सभी जगह होता है। ये जो रिप्रेजेंट किया था वो वन बॉडी कैरेक्टर, यानी अगर देखा था वन बॉडी कैरेक्टर्स होता, वो अल्फाबेट के फॉर्म होता। अब जैसे इसको कहा जाता है, जैसे एक जो पैरेंटल की कंडीशन में, या इसी को हम अगर दे सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कर सकते हैं। जैसे पैरेंटल पेरेंट जो गैमेट होता है कैसा होता है, अगर इनको देखा जाता है, बेसिकली जब वन कैरेक्टर के लिए आता है तो क्या होता है, या तो अल्फाबेट के फॉर्म में ए ए होगा या बी बी होगा, ये होता है। अब इसके कंडीशन में बेसिकली ये जो होता है, इसका अगर इसका देखा जाता है जो गैमेट बनते हैं, या हम जैसे मान लीजिए इसकी बात कर लेते हैं, ये ए है, इसका ए गैमेट हो जाता है, बी होता है, इसका ए कैसा होता है, बी गैमेट होता है, ये कैसा होता है, सी होता है, ये कैसा होता है, सी होता है। तो ये सारे जो होते हैं मिल करके क्या करते हैं, ये वन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसी से जो फॉर्मेशन होता है, अगर देखा जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है, अगर मान लीजिए जब कोई क्रॉस कराया जाता है पेरेंट सेल में, अगर कोई क्रॉस कराया जाता है, तो वो टू टाइप्स के कंडीशन में डेवलप होता है। पहला क्या होता है कि अगर इसको देखा होता है, जैसे टू टाइप्स के कंडीशन में, अगर मान लीजिए इसी से रिलेटेड होता है, मान लीजिए कोई बॉडी है ए ए ए ए और बी बी, बी बी होगा। अब इसकी कंडीशन में क्या होता है, अगर इसका क्रॉस कराते हैं कैसा होता है, एक गैमेट इसका बनेगा, एक ये बनता है, दूसरा ये बनता है, तीसरा ये बनता है। तो इस तरीके से क्रॉस होता है। अब ये बिस्टॉप फॉर्मेशन होता है, ए ए बी बी बनता।
अब इसके अंतर्गत अगर देखा आता है कि अगर हम इसको क्रॉस कराते हैं इस फॉर्मेशन में कैसा बनता है, ए ए बी बी ऐसा हो जाएगा, ए बी और ए बी इसका हो जाएगा, ए बी और ए बी इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कंडीशन होता है ये जो बॉन्ड कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी से एक रिलेटेड होता है स्टूडेंट, क्या होता है कि इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग देखते हैं बेसिकली क्या पाया जाता है कि वो भी जो होता है एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करके बनाता है, एक कैरेक्टर को इसमें रिप्रेजेंट करके बनाता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए अगर देखते हैं तो वन कैरेक्टर होता है ए ए होता है, वन कैरेक्टर। अब ऐसे कंडीशन में इसका जो गैमेट होता है ये कैसा बनता है, ऐसे कैरेक्टर में अगर देखा था ये बेसिकली एक फार्मूला होता है, इसमें अगर इसका फार्मूला देखा आता है टू पर पावर एम, यानी इसको क्या आता है टू पर, अगर सिंगल पार्ट होता है ऐसे कंडीशन क्या कहते हैं ये टू पर पावर जीरो, हमेशा जो होता है इसको जीरो कर सकते हैं, इसका मान जो वैल्यू कर सकते हैं इसका एक ही होता है। तो ये एक कंडीशन में होता है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के होता है, मोनोहाइब्रिड। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए अगर देखा जाता है जो सबसे होता है टू पर पावर वन कर सकते हैं, ये कैसा होता है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है रिप्रेजेंट होता है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए अगर देखा आता है जो फिनोटिपिक रेशियो की अगर बात करते हैं तो अगर हम वो इसमें क्रॉस कराते हैं इसको मान लीजिए ए 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 और ए ए ए ये हो गया स्टूडेंट्स, यानी इसका जो फॉर्मेशन होता है हमेशा कैसा होता है, ये जो होता है वन इज टू टू इज टू वन का रेशियो होता है, यानी इसको क्या होता है वन इज टू टू इज टू वन का रेशियो होता है, वन इज टू टू इज टू वन का रेशियो। अब इस कंडीशन में देखते हैं जो स्टूडेंट्स होता क्या है बेसिकली। अब हम यहाँ पर एक चीज का ध्यान देते हैं, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो अभी प्रोबेबिलिटी की बात आती है, प्रोबेबिलिटी हम थोड़ा सा अभी बाद में बताते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये मोनोहाइब्रिड के लिए हो गया 1:2:1 के लिए। अब इसी के संदर्भ में अगर देखते हैं, अगर मान लीजिए दो जो टू कैरेक्टर्स को लेकर के थे, पहला होता है वन कैरेक्टर को लेकर के गैमेट का फॉर्मेशन होता है, सेकंड होता है टू कैरेक्टर को लेकर के होता है, तो इसका जो अल्फाबेट होता है वो कैसा होता है बेटा, ऐसे कंडीशन में दो बॉडी का डेवलपमेंट के लेकर के बढ़कर आते हैं। जैसे क्या होता है इसका, इसमें होता है ए ए बी बी। अब इसके लिए ये मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय ए ए इनटू बी बी। अब यहां पर जो होता है स्टूडेंट्स इसमें देखा आता है ये कैसा होता है, अगर इसमें हम लोग करते हैं ये टू बॉडी का फॉर्मेशन होता है, टू बॉडी। अब इसके लिए हम बेसिकली जो फार्मूला होता है रिप्रेजेंट करते हैं टू पर पावर एन, इसका मतलब टू हो गया ये टू पर पावर टू, यानी इसका जो फॉर्मेशन होता है ये फोर गैमेट का होता है, इसमें टू बनेगा इसमें फोर। ऐसे फोर कंडीशन बनने के साथ साथ क्या होता है कि इसमें जो होता है ये डाई हाइब्रिड रिप्रेजेंट होता है, डाई हाइब्रिड के कंडीशन होता है। अब डाई हाइब्रिड के लिए अगर देखा आता है बेसिकली अगर हम इसको एक इसी से रिलेटेड होता है, इससे रिलेटेड होता है बाइफर्केट मेथड, एक आता है स्टूडेंट डाई हाइब्रिड को होते एक कहते हैं बाइफर्केट मेथड स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बाइफर्केट मेथड में एक हम ट्रिक होता है, इसका एक ट्रिक जानते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक होता है ये बाइफर्केट मेथड में होता क्या, जैसे दो बॉडी है बना, दो कैरेक्टर्स है ना, टू कैरेक्टर्स यानी वन कैरेक्टर हो गया ए एंड
सेकेंड कैरेक्टर हो गया इसका ए, ए बी है, फर्स्ट कैरेक्टर हो गया ए, सेकेंड कैरेक्टर इसका हो गया बी। अब इसके अंदर जो इसका आता है बाय फर्केट, इट मींस क्या होता है कि इसमें जो होता है सेकेंड पार्टी हो गया बी, इसमें हो गया बी, इसका हो गया बी, इसका हो गया बी। इट मींस यहाँ पर जो होगा स्टूडेंट जो इसका जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो हो जाएगा इस तरीके से ए बी, दूसरा आ जाएगा ए बी, इसी तरीके इसका हो जाएगा बेटा ए बी, इसी तरीके इसका हो जाएगा बेटा ए और बी। इस तरीके हम कह सकते हैं ये फोर गैमेट का फॉर्मेशन होता, फोर गैमेट, ये फोर गैमेट का फॉर्मेशन होता, ये डाईहाइब्रिड के सेंस में होता, डाईहाइब्रिड के लिए। अब इसी तरीके से अगर स्टूडेंट देखते हैं अगर बाईफर्केट मेथड में ये ट्राईहाइब्रिड में होता, ट्राईहाइब्रिड के लिए क्या होता है, ट्राईहाइब्रिड में अगर हम लोग देखते हैं तो उस ट्राईहाइब्रिड में भी क्या होता है इसी तरीके से फंक्शनिंग होता है। बाईफर्केट मेथड से टू कैरेक्टर को लेकर के या फिर थ्री कैरेक्टर को लेकर के करते हैं, तीसरा होता है, थर्ड होता है इसका थ्री कैरेक्टर को लेकर के, थ्री कैरेक्टर को लेकर के स्टूडेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज करिए ए ए बी बी सी सी, फिर होता है इसका ए ए बी बी एंड सी सी, ये थ्री कैरेक्टर हो गए इसमें। अब थ्री कैरेक्टर्स में अगर इसका अभी हम लोग गैमेट अगर देखते हैं तो गैमेट कितना बनता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म। अब इसमें देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या होता है इसको देखते हैं, इसमें भी गैमेट के फॉर्मेशन में बाईफर्केट मेथड से हैंडल करते हैं। बाईफर्केट मेथड में क्या होता है ए एंड इसका हो गया ए, इसमें स्टूडेंट्स होता है बी होता है, इसका भी बी होता है, एंड थर्ड में इसमें भी क्या होता है बी एंड यहाँ पर बी, एंड अगेंस्ट क्या था इसका सी हो गया कैपिटल सी स्मॉल सी, एंड देन अगेन कैपिटल सी स्मॉल सी, एंड अगेन कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, एंड अगेन कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। अब इसमें स्टूडेंट देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है इसका बाईफर्केट मेथड के अनुसार, इसमें होता है इसका जो गैमेट बनेगा ए बी सी, इसका हो गया ये कैपिटल ए बी स्मॉल सी, एंड अगेन ए बी कैपिटल सी, एंड अगेन ए बी स्मॉल सी, एंड अगेन ए बी कैपिटल सी, एंड अगेन ए बी एंड स्मॉल सी, एंड अगेन ए बी कैपिटल सी, एंड अगेन ए बी एंड स्मॉल सी। इस तरीके से स्टूडेंट जो होता है अगर देखा जाता है बेसिकली ये कितने हो गए, वन ये एट, एट डेमेट हो गया, ये एट हो गया, बट इसमें अगर देखा जाता है तो ये कितने टाइप के होते हैं, एक गैमेट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। इट मींस अगर देखा जाए फोर यानी ये कितना हो गया, ये एट गैमेट हो गया, टू टाइप एट गैमेट का फॉर्मेशन होता है एट गैमेट। वैसे इसको देखा जाता है फोर टाइप, फोर टाइप तो होते हैं इसमें, अगर हमारे दो कैरेक्टर को लेकर के या थ्री कैरेक्टर को लेकर के इसमें बनाते हैं तो इसका होता है दो सेम होंगे, ये दो सेम होंगे, ये दो सेम होंगे, तो इस तरीके से स्टूडेंट जो इसका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, अब सेकेंड इसका देखा था जो इसमें जो बात आती है ये हो गया ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए स्टूडेंट देखता है फार्मूला जो होता है टू पर पावर एन होता है, इट मीन्स इसका नेक्स्ट होता है टू पर पावर थ्री, और ये होता है एट गैमेट का फॉर्मेशन होता है।
ये एक बन जाते हैं। अब इसमें अगर मोनो हाइब्रिड की बात हो गई, मोनो हाइब्रिड हमने बताया कितना होता है, मोनो हाइब्रिड के लिए 3:1 हो गया, डाई हाइब्रिड के लिए अगर देखा था स्टूडेंट वो होता है 1:2:1 का पोल उसको स्क्वायर होता है, एंड ट्राई हाइब्रिड के लिए स्टूडेंट होता है ये भी होता है 1:2:1 का होल क्यूब। तो इसका अगर देखते हैं स्टूडेंट जो मल्टीप्लिकेशन करके इसका जो फॉर्मेशन होता है, तो हम इसका अलग अलग गैमेट का फॉर्मेशन जो कितने गैमेट बनते हैं वो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं जो इसी से रिलेटेड होता है प्रोबेबिलिटी, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड होता है प्रोबेबिलिटी, गैमेट फॉर्मेशन में प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी में स्टूडेंट्स बेसिकली अगर देखा जाता है ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन या एक होता है एडिशन कह सकते हैं, एडिशन होता है एंड सेकेंड होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में क्या होता है अगर देखा तो वो मोर देन टू या एक से अधिक जो गैमेट्स होते हैं या एक से अधिक जो इसके फॉर्मेशन होते हैं उसको ऐड कर दिया जाता है, ऐसे एडिशन को अगर देखा जाता है। इसमें अगर देखा जाता जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो इवेंट्स फर्स्ट में क्या कहता है, जो फर्स्ट में इवेंट जो होता है अगर होता है इसमें कैसे होते हैं टू वेज में पाए जाते हैं, एडिट किया जाता है यानी जो ऐड कर देते हैं, जो पहले में अगर देखा था ये एडिशन होता है इसमें एडिट करते हैं, एडिशन होता है इसमें जो इवेंट्स डेवलप होता है, इवेंट्स इसमें इवेंट्स क्या होता है डेवलप होता है एडिशन करते हैं। दूसरा जो होता है बेसिकली सेकेंड इवेंट में क्या होता है वो इसको मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे इसमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं, प्रायिकता क्या होते हैं, अगर स्टूडेंट देखा आता सपोज करिए कि इसका एक क्वाइन लेते हैं, क्वाइन जो होता है सिक्का अगर लेते हैं 1 रुपीज के या 2 रुपीज का सिक्का लेते हैं उसको उछालते हैं, उछालने के साथ क्या होता है उसमें से बेसिकली दो रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन जो होगा या तो उसका हेड आएगा उछालने के बाद या तो उसका टेल आएगा, उन दोनों कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, दोनों कंडीशन में क्या होता है कि 1/2 यानी एक सिक्के का क्या होता है उसका हाफ पार्ट होगा, चाहे वह क्या होगा 1/2 होगा, जिसे हम क्या कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई सिक्का है क्वाइन है तो इसमें दो रीजन होता, पहला एक या तो हेड आएगा या तो इसका टेल आएगा या तो इसका क्या होगा टेल होगा। तो इसका जो होता है हेड के लिए क्या होता है 1/2 या रीजन इसका हो गया तो कितना हो गया 1/2। तो इस तरीके जो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हो गया, क्वाइन के लिए प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1/2 1/2, अगर एडिशन में देखा था ये 1/2 + 1/2 हो जाएगा एडिशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन 1/2 × 1/2 ये हो गया मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो इस प्रोसेस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हम अब इसी तरीके से एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट, अगर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं तो सपोज करिए कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसकी जो होते हैं मान लीजिए उस प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, उस प्लेइंग कार्ड्स में 52 में अगर देखा तो उसकी एक कोई हम एक कार्ड को जैसे कोई क्वीन होता है या कोई इसको हम एक कार्ड को निकाल लेते हैं बाहर, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर देखा आता कितना होता है वो 1/13 के कंडीशन में होता है, 1/13 हो जाएगा। अगर मान
मान लीजिए इस तरीके से क्या होता है, अगर इसके हमारे इसके फोर कार्ड होते हैं, इसके अगर हमारे फोर कार्ड होते हैं, इसके निकाले कितना होता है, फोर कार्ड के लिए कितना जाए 1/30 है, फिर 1/30 इस तरीके से जो होता है उसका 1/ अगर देखा तो उसका 1/69 के कंडीशन में होता है। यानी इस तरीके से ये जो होता है इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है। थर्ड एग्जांपल हम अगर इसको लेते हैं, अगर मान लीजिए थर्ड एग्जांपल का लेते हैं, मान लीजिए जो हम लोग इस लेक्चर हॉल में कोई 3 पर्सन है, 3 पर्सन होता है तो कितने होते हैं, 3 पर्सन है, एक आउट गया और 2 इनसाइड में है, तो उसके क्या हो गया 1/3 हो गया, 1/3, या मान लीजिए 2 हो गया 2/3 इस तरीके से जो होता है इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो ऐसे कंडीशन में जो इसके हम किसी जेनेटिक्स में जो होता है इसके प्रोबेबिलिटी हम इसको जानकारी कर सकते हैं। अब इसमें जो होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अब इसमें हमने बताया 2 रीजन होता है एडिशन के लिए, 2 रीजन होता है। पहला जो होता है इसका देखा जाता है पहले के कंडीशन में 2 रीजन में या तो बॉयज होगा या तो गर्ल्स होगी। पहला नंबर क्या होता है, या तो बॉयज होगा, मान लीजिए कोई क्रास आते हैं क्या होगा, या तो बॉयज होगा या तो गर्ल्स होगी, या पहला प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्या होता है, बॉयज बॉयज होता है। तीसरा इसका प्रोबेबिलिटी गर्ल्स गर्ल्स के कंडीशन में होता है। ये 3 टाइप्स के कंडीशन इसका वर्ड डेवलप होता है, 3 टाइप्स का पहले के लिए। अब इसमें जो देखा जाता है कि अगर सेकेंड के जो पार्ट आता है इसका, तो इसमें मान लीजिए किसी के 3 चिल्ड्रंस होते हैं, सपोज करिए किसी का 3 चिल्ड्रंस है, 3 चिल्ड्रंस है। अब इस 3 चिल्ड्रंस में जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कैसा होता है, या तो 3 चिल्ड्रंस है या क्या होगा एक डॉटर होगा, दूसरा मान लीजिए क्या होगा डॉटर हो गया, या फिर इसका ये भी मान लीजिए सपोज करिए ये भी डॉटर हो गया, ये सन हो गया, पहला हो गया। 3 चिल्ड्रन क्या होता है, 2 डॉटर एंड 1 सन। इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है इस तरीके से, 2 डॉटर और 1 सन, या पहला प्रोबेबिलिटी होता है, दूसरा क्या होगा डॉटर होगा सन होगा या डॉटर होगा, तीसरा जो होता है बेसिकली अगर देखा जाता है ये सन होगा या ये डॉटर होगा ये डॉटर होगा। तो इस कंडीशन में पहला पहले 2 डॉटर होगा, उसके बाद में तीसरा सन होगा, या पहला डॉटर दूसरा सन फिर तीसरा डॉटर, या सन डॉटर डॉटर। तो ये अगर देखा था स्टूडेंट्स ये 3 टाइप्स के प्रोबेबिलिटी का फॉर्मेशन होता है, 3 टाइप्स। अब इसके लिए देखा था स्टूडेंट जो बनते हैं अगर इनका जो रेशियो निकालते हैं इसका प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है 1/2, अगर इसके लिए देखा जाता है बेसिकली 1/2 × 1/2 ये होता है। दूसरे के कंडीशन में भी देखा जाता है स्टूडेंट इसी तरीके से इसका भी होता है 1/2 × 1/2 × 1/2 यहां में होगा 1/2 × 1/2 × 1/2। यानी अगर देखा जाता है टोटल अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन कंबाइन कर दिया जाता है फर्स्ट का सेकंड का और थर्ड का, तो तीनों का कंबाइन ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म हो गया, और तीनों का अगर कर लेते हैं तो बेसिकली 1/8 ये इसका होता है एडिशन की कंडीशन में। यानी अगर देख लिया तो क्या होता है ये बेसिकली 3/8 का कंडीशन होता है, यानी ये 3/8 ये जो होता है इसका तीनों का अगर ये 3 चिल्ड्रन का प्रोबेबिलिटी लिया जाता है तो कितना होता है ये 3/8 होता है। अब स्टूडेंट्स दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, दूसरा अगर देखते हैं सपोज करिए इसी से रिलेटेड दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली अगर मान लीजिए हम लोग जो लेते हैं 2 टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होता है, सपोज करिए क्लास ए ए ए ए दूसरा
किसका होता है मल्टीप्लाइड इसका देख लेना ए ए बी बी एंड सी सी ये थ्री टाइप के इसके होता है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। अब इसके हम लोग देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी होगा उस किस कंडीशन में होगा। अगर सपोज करिए स्टूडेंट्स हम ए का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ए का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर देखा था हम एक क्रॉस करते हैं इसकी और इसके लिए क्या करते हैं, एक हो गया ए के, दूसरा होगा स्टूडेंट्स दूसरा हो गया ए हो गया और इसमें हो गया ए हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, इसका हो गया स्टूडेंट ए ए ए ए ए ए और ए ए हो गया, यानी इसका हो गया स्टूडेंट अगर देखा था बेसिकली इसमें वन वन बाई टू और 1/2 पहले का हो गया, पहले का कितना हो गया 1/2 × 1/2 यानी कितना हो गया हाफ बराबर है हाफ ए हो गया, ये 2a हो गया, ये 2a हो गया और ये कितना हो गया 2a हो गया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और इसके लिए 1/2 हो गया, पहला हो गया स्टूडेंट। सेकंड के लिए हम देखते हैं सेकंड के लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। इसका तो सेम होगा बेटा, इसमें तो किसी तरह डायरेक्ट है, इस सबसे सिंपल फॉर्मेशन होता b इंटू बी प्लस बी इंटू बी इंटू बी, और इसका तो डायरेक्ट होगा बेटा, इसका एक आएगा बी बी और बी बी, इस तरीके से होता है। यानी इसको भी देखा आता है ये डायरेक्ट फॉर्म में से होता है, बी के लिए भी होता है, पहला ए बन गया दूसरा हो गया, इसी तरीके से भी क्या हो गया ये भी दो बनेगा, दो का फॉर्मेशन होगा, दो ए बन जाएंगे और दो ए बन जाएंगे। तो यहां भी होगा इसका हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा और इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। इसमें से अगर देखा जाए स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, अब इन दोनों का इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए सी का भी कर लेते हैं, सी का सी में भी कितना होता है 1/2 सी के लिए मिल जाएगा, सी के लिए सी इंटू सी और सी इंटू सी, यहां पर भी जो होता है बेटा कितना हो जाएगा सी सी और सी सी हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट सी 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 और सी सी, फिर हो जाएगा सी सी और सी सी। यहां पर भी जो होगा स्टूडेंट कितना होता है 1/2 यहां पर भी होगा। इतने से अगर देखा जाता है इन तीनों की कंडीशन है बेसिकली 1/4 और 1/4 ये इधर देखा जाता है। तो ये बेसिकली कितना होता है, इन दोनों का लिया दो का ए और बी का लिया था, इसका और इसका लिया था कितना होता है 1/4 हो गया, इसका 1/4 हो गया, इसका 1/4 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 1/4 कितना हो गया ये 1/16 का पार्ट हो गया, और प्लस इसका ले लिया था 1/4 हो गया, इसका भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो होता है सभी का हम गैमेटिक प्रोबेबिलिटी इसका रिप्रेजेंट करते हैं, इसका गैमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम देखते हैं स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं
स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा जाए, ये दो क्वेश्चन है यहाँ पर देखा था, प्रोबेबिलिटी के आधार पर इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट दिया गया स्टूडेंट, सबसे पहले है दिया गया कि ए क्रॉस इज मेड बिटवीन द टाल प्लांट विद येलो सीड, ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टाल प्लांट विद येलो सीड, टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड ए टाल प्लांट विद ग्रीन सीड, ए टाल प्लांट विद ग्रीन सीड TT and YY. What is the pair about the phenotype in a F1 generation? यहाँ पर इसको देखा जाए स्टूडेंट, इसमें प्रोबेबिलिटी के आधार पर इसको भी हमको ये प्रूव करना है कि इसमें कौन सा F1 generation में कौन सा phenotype है। तो यहाँ पर देखा था जो सबसे पहले अगर स्टूडेंट देखते हैं, जो बात करते हैं, फर्स्ट यहाँ पार्ट में क्या दिया है कि अगर देखा जाता है TT and YY दिया है, TT and YY. अगर स्टूडेंट देखा जाता है, अगर हम बात करते हैं टी टी, ये हो गया टी टी एंड वाई वाई का, इसका क्रॉस कराते हैं टी टी एंड वाई वाई, ये दो दो टू टाइप्स हो गए स्टूडेंट। अब इसमें जो बेसिकली अगर देखा था, पहले हम टी टी का देख रहे थे, पहले हम अगर टी टी का देख रहे थे तो कैसा होता है, टी टी ये ए हो गया, दूसरा स्टूडेंट होता है इसमें भी टी और टी, ये हो गया टी 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 टी, ये हो गया टी टी और ये हो गया टी स्मॉल टी। स्टूडेंट यहाँ पर कैसा हो गया, यानी अगर देखा जाता है ये 1:2:1 का इसमें प्राप्त होता है, 1:2:1, इट मीन्स अगर देखा जाता है कि यहाँ पर जो होता है वन वाला कितना होता है, ये कितना होता है वन, ये कितना होता है दो है, वन हो गया वन फोर, ये कितना होता है वन बाई टू, तो ये हो गया वन बाई टू यानी वन बाई फोर इंटू वन बाई टू, ये हो गया वन बाई एट हो गया स्टूडेंट। और दूसरा देखते हैं, अगर हम दूसरा की कंडीशन लेते हैं बेटा, इसमें क्या होता है कि अब इस कंडीशन में जो दूसरा होता है यहां पर कितना होता है स्टूडेंट, अगर ये देखा था यहां पर वन हो गया, ये दो है ना बेटा, ये दो है तो ये हो गया वन बाई टू वन, ये एक ही हो गया ना बेटा, वन बाई वन वन बाई टू इंटू वन बाई फोर इंटू वन बाई फोर, ये हो गया। बेसिकली अगर इसको देखा जाता है ये जो पार्ट होता है इसको 1 by 4 करके अगर देखते हैं, इसमें फिर से देखते हैं इसका, इसमें 1 by 4 हो गया, इसका अगर देख लेते हैं इसका कितना होता है 1 by 4, इसका होता है कितना 1 by 4 और ये कितना होता है 1 by 2 का कंडीशन होता है। तो यहां पर अगर देखते हैं इसमें जो होता है 1 by 4 करके, ये भी 1 by 4 का अगर देखते हैं ये कैसा हो गया, ये हो गया बेटा ये 3 by 8 का कंडीशन आता है, इसमें जो होगा 1 by 4 into 1 by 2 कितना हो गया बराबर हो गया, इनका जो रेशियो अगर देखते हैं 1 by 4 करके, सॉरी 3 by 4 3 by 4 into 1 by 2 बराबर कितना हो गया है 1 by 8 का होता है 3 by 8। दूसरे में अगर हम देख लेते हैं इसका जो भाग होता है स्टूडेंट, अगर y वाले का देखते हैं, y वाले में देखते हैं क्या होता है, y वाले के लिए देखते हैं y by हो गया y वाला क्या होता है y इसके साथ होता है इसमें y और y, ये हो गया स्टूडेंट y, फिर हो गया y और ये हो गया y, यहां पर स्टूडेंट होता कितना है, ये हाफ हो गया 1 by 2 हो गया और 1 by 2, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल होते हैं,
जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कैसा होता है स्टूडेंट, यहाँ पर ये दोनों इस तरह ये दोनों अलग हो, ये दोनों इक्वल हो, बाकी ये दो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर कितना 1/2 1/2, तो ये दूसरे ऑप्शन के लिए अगर देखा होता है, ये पहले ऑप्शन के लिए क्या होता है 1/3/8 होता है, और यहाँ पर दूसरे के लिए क्या होता है, दूसरे के लिए अगर देख लिया था, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि 1/2 करके यहाँ पर इतना हो गया, ये 4/4 गैमेट बनेगा, दो दो उसमें गैमेट बनेंगे, कितना होता है 1/8 का गैमेट इधर बन जाता है। इट मीन्स अगर देखा था जो स्टूडेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है कि इस रेशियो में बेसिकली हम लोग जो क्रैश कराते हैं वो इसी बेस पर होता है, इसी बेस पर होता है, यानी यह जो होता है हम जो भी क्रैश कराते हैं इसी प्रोबेबिलिटी के आधार पर इसको 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 कंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा था स्टूडेंट, पहले वाले में कितना होता है 3/8 का कंडीशन होता है, आप जब भी इसमें होता है तो इसको हमेशा क्रॉस करा लेते हैं, क्रॉस कराइए टी एंड टी एंड टी एंड टी, ये क्रॉस कराने के ऊपर जो होता है सारे इसके प्रोबेबिलिटी निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है फर्स्ट में निकलेगा ये 3/8 होता है, दूसरे के लिए हो जाए 1/8, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी होता है। अब दूसरा स्टूडेंट देखा जाता है टोबैको प्लांट के लिए क्या होता है, दिया है कि ये टोबैको प्लांट इज हेटरोजाइगस फॉर कैरेक्टर, इट इज सेल्फ पोलिनेटेड टू प्रोड्यूस 1200 सीड्स, हाउ मेनी सीडलिंग वुड हैव पेरेंटल जीनोटाइप्स। अब यहां पर देखा था स्टूडेंट्स जो बताया गया टोबैको प्लांट के लिए क्या होता है, बेसिकली ये हेटरोजाइगस होता है, हेटरोजाइगस का मीन क्या होता है, अगर मान लीजिए दो दो होता है ये टोबैको प्लांट हेटरोजाइगस फॉर कैरेक्टरिस्टिक सेल्फ पॉलिनेटेड, इसका मान लीजिए जो दो हेटरोजाइगस होता है इसका ए ए इनटू ए ए, अब इसका हम लोग क्रॉस कराते हैं क्या होता है, अगर इसको हम क्रॉस कराते हैं इसमें टू टाइप्स के गैमेट बनते हैं, टू टाइप्स के गैमेट का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से होते हैं इसका अगर क्रॉस करते हैं, एक गैमेट होगा ए ए इसके साथ जाएगा ए ए, फिर हो जाएगा स्टूडेंट ए ए और फिर हो जाएगा ए ए, ये फोर टाइप के इसमें गैमेट बनते हैं। अब इसमें स्टूडेंट जो होता है ये दोनों एक गैमेट का इक्वल होते हैं, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। अब हम लोग इसको अगर देखते हैं, अगर हम क्रॉस इसका इसका करा देते हैं तो क्या होता है ए ए ए और ए करा देते हैं, इसमें हो जाएगा स्टूडेंट ए ए और ए ए, इस तरीके से मिलता है। तो यहां पर अगर देखा जाए स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है कि इसमें फोर टाइप के गैमेट बनते हैं, इसका हो जाएगा अगर देखा जाता है ये हो गया 2/4, इसका हो जाएगा 2/4 क्योंकि यहां पर दो 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 स्क्वायर में कंडीशन में आते हैं, प्लस इसका जो होता है अगर देखा जाता है ये 1/2 होता है, इसका कितना हो गया 1/2 होता है, ये 2/4 हो गया, इसका 1/2 प्रोबेबिलिटी। अब इस आधार पर कितना होता है बेसिकली अगर देखा जाता है 3/4 होता है, 3/4 ये कितना होता है 3 आता है, 3/4 अगर यहां पर देखा जाता है स्टूडेंट कितने होते हैं, ये 3/4 की कंडीशन में आता है। इट मीन्स अगर देखा जाता है अब यहां पर जो बेसिकली जो आता है इसका जो जो गैमेट होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो डेवलप होता है 2/3 यहां पर हाफ होते हैं, हाफ के कंडीशन में अगर देखा जाए इसमें क्या क्या डू प्रोड्यूस 1200 सीड, हाउ मेनी सीडलिंग हैव पेरेंटल जीनोटाइप, तो पेरेंटल जीनोटाइप का जो जो फॉर्मेशन होता है वो कितना होता है, वो ये 600 के कंडीशन में आएगा, ये 3/3 के कंडीशन में आता है, 600 में आता है। तो
इस तरीके से जो स्टूडेंट जो अगर देखा होता है यहाँ पर जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि ये हमेशा प्रोबेबिलिटी वाला भी जो होता है न्यूमेरिकल इसमें आते रहते हैं, प्रोबेबिलिटी के आधार पर भी ये सॉल्व होते रहते हैं। अब इसके आधार पर जो दूसरा आता है स्टूडेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद बेटा हम लोग आप लोग इसका जो दूसरा आता है इसका हम लोग कैटेगरी का हम लोग इसको कल स्टडी करते हैं। अब आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा फिर हम आगे इसको बताते हैं और जो भी डाउट होता है उसको आप लोग इसको मेंशन करते हैं। थैंक यू बेटा।